रक्षाबंधन का पर्व जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई इस बंधन के जरिए हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व एक विशेष शुभ संयोग में मनाया जाएगा जो इसे और भी खास बनाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा जो सुबह 5:53 से लेकर दोपहर 1:32 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद ही रक्षा सूत्र बांधना शुभ माना जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, रवि योग और सौभाग्य योग के अद्भुत संयोग के बीच मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी अद्वितीय संयोग बन रहा है जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास के अनुसार रक्षाबंधन पर्व को भद्रा रहित समय में मनाना चाहिए। इस वर्ष 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि रात 11:55 तक रहेगी और भद्रा का साया दोपहर 1:32 तक रहेगा। अतः रक्षा सूत्र बांधने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:07 से रात 8:20 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:48 से अपराह्न 4:22 तक का समय भी विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस बार का रक्षाबंधन त्योहार वास्तव में अद्भुत है और सभी बहनों के लिए अत्यंत लाभकारी है, लेकिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा 5:53 से दोपहर 1:32 तक रहेगी। भद्रा में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा को टालकर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाना चाहिए, यानी कि बहने भाई को राखी बांधे। राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 2:07 से रात्रि 8:20 का है। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को रात 3:04 शुरू हो रही है और इसी दिन रात 11:55 पर समाप्त होगी। इस साल रक्षाबंधन पर शोभन योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:53 से 8:10 तक रहेगा। इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सावन महीने का अंतिम सोमवार भी है। इस दिन सावन सोमवार भी है और उस दिन सावन माह भी समाप्त हो रहा है और उस दिन शोभन योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का सहयोग भी बन रहा है। रक्षा बंधन के इस विशेष पर्व पर भाई बहन के इस पवित्र बंधन में प्रेम और समर्पण की भावना और भी गहरी हो जाती है। इस साल के शुभ संयोगों के साथ यह पर्व आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा। लोकल 18 के लिए जोधपुर से कृष्णा कुमार गौर की रिपोर्ट।